नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं सुबोध गुप्ता। आज मैं आपको हजारीबाग के एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो हजारीबाग से दिल्ली और दिल्ली से लंदन तक का सफ़र किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मुकाम हासिल किया है। मैं बातचीत करूंगा उनसे कि क्या है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और आप कहाँ पोस्टेड हैं, क्या कार्य है आपका। सबसे पहले आपका समाचार प्लस झारखंड बिहार पर हार्दिक स्वागत है। आप परिचय अपना लीजिए। मेरा नाम राकेश रोशन है। मैं हजारीबाग में, मेरी यहीं पर पढ़ाई हुई है। मैं यहाँ संजीव से पढ़ता था और यहाँ के सम कोलंबस कॉलेज में से हमने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है फिजिक्स में और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से PhD करी है फिजिक्स में। तो जीवन भर मैंने पढ़ाई और हमारी ट्रेनिंग फिजिक्स में हुई है। और आजकल मतलब पढ़ाई हमारी जब ख़त्म हुई थी उसके बाद से मैं इन एंड अराउंड ऑक्सफोर्ड इकोसिस्टम जो होता है, इनोवेशन इकोसिस्टम, मैं उसमें काम करता हूँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पिछले 12 सालों से दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी रही। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT लोगों से भी ऊपर रैंकिंग उनकी हमेशा रही है। तो हमारा काम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन में जो रिसर्च होती है, रिसर्च का कमर्शियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसमें हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन और लीडरशिप रोल रहता है। अभी तक किन किन चीज़ों का सर्च हो चुका है, रिसर्च जिन पर भारत भी काम कर रहा है, और क्या क्या नए इनोवेशन है जो भविष्य में आने वाले हैं? अभी जो यूनिवर्सिटी जो काम करती है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक साथ एक बार में 15,000 रिसर्चर्स काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, नोबल लॉरेट्स होते हैं, और उसके बाद उनकी रिसर्च टीम होती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से जो सबसे अभी लेटेस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का जो रिसर्च काफ़ी फेमस और हाईली इम्पैक्टफुल हुआ, जिससे कई लोगों की ज़िंदगी बदली, वो वहाँ की एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, जिसको इंडिया में कोविशील्ड के नाम से भेजते थे, उसका जो फंडामेंटल रिसर्च जो हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हुआ था। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हर एक 5-6 साल पे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रिसर्च को मार्केट में लाया जाता है जिससे करोड़ों अरबों लोगों का फ़ायदा होता है। तो अभी आजकल के समय जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ जो इमर्जिंग एरियाज़ हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो रोजमर्रा के जीवन में जिससे उसका एप्लीकेशन होगा, वो एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है। दूसरा रिसर्च एरिया है कि आने वाले समय में फिर कोविड जैसा कोई पैंडमिक ना हो, उसका बचाव कैसे पहले से उसकी तैयारी की जाए, जैसे करोड़ों लाखों लोगों की जान बचाई जा सके, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एरिया है वो लाइफ साइंसेस का है, और उसमें बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज से कैसे काम हो रहा है, कैसे वो उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का जीवन को सुधार दिया गया, उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। तो इन 4-5 बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिनको लेकर अभी नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट आने वाले समय में कैसे जीवन लोगों का बदले, जीवन लोगों का उद्धार हो, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। देखा जाता है कि आमतौर पर भारत में रिसर्च की बहुत कमी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोग भी वहाँ जाके पढ़ते हैं, अब भी बेसिक इंडिया से ही हैं। तो ऑक्सफोर्ड के जो रिसर्च हैं उसको भारत में कैसे लाया जा सकता है? रिसर्च लाना बहुत तरह के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होती हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि एक जो कल्चर होता है रिसर्च का, वो माइंडसेट जो होती है, उसको बहुत मतलब नर्चर करना पड़ता है, बहुत ग्राउंड लेवल से उसको नर्चर करना पड़ता है। तो आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतनी सारी रिसर्च होती हैं और उसका जो इम्पैक्ट बनता है, उसके पीछे जो उसका कारण है कि जो उसकी ब्लूप्रिंट है, इतनी फाउंडेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण लोग की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं, ताकि उन रिसर्च एरियाज जो बहुत हाई रिस्क होते हैं शुरू में, करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, तब जाकर वो टेक्नोलॉजी का जो डिरिस्किंग होता है, कि जितने सारे अननोन्स होते हैं उसको आप उस पर कंट्रोल करते हैं, उसको फिर नॉलेज को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव बोथ द गवर्नमेंट्स, जो UK गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट लेती है, वो रिसर्च पार्टनरशिप्स का लेती है। तो रिसर्च की जो ऑर्गेनाइजेशन है UK में, उसको UKRI बोलते हैं। तो UK रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें, और इंडिया में जो UGC है उसके साथ बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि
यहाँ के रिसर्चर्स वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के रिसर्चर्स यहाँ सकते हैं, कंबाइंड रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे कि रिसर्च पार्टनरशिप्स के द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसको लर्न किया जाए, जो आप जो सीखते हैं, क्योंकि अब रिसर्च और टेक्नोलॉजी यूके की बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका एप्लीकेशन इंडियन अडेप्टेशन जो है वो नहीं कर सकते वहाँ के लोग, उसके लिए यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ उनको यहाँ की लोकल जानकारी है। तो जो रिलेशनशिप जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है, वो स्टेप वन है टूवर्ड्स जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे वहाँ की चीज़ों को यहाँ लाया जा सके या यहाँ की एक्सपर्टीज़ को वहाँ लाया जा सके। तो वो जो इंटरेक्शन है, ओवरलैप है, वो ह्यूमन इंटरेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, और उसको और अच्छे से किया जाए तो इसका स्केल अप एक्सेलरेशन वो डिफरेंट नेचर है। बड़ा सवाल है कि यूके गवर्नमेंट प्रोत्साहन देती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि आप इस क्षेत्र में काम करें, तो इंडियन गवर्नमेंट से आप क्या अपील कर सकते हैं कि वो रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़े, नया इनोवेटिव, जैसे आप कोविशील्ड के बारे में कह रहे हैं कि यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना रिसर्च किया उसके बाद वो भारत लाया गया पुणे के माध्यम से, तो इस तरह के महामारियों से कोलैप्स से बचा जा सके, तो इसके लिए आप भारत सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि भविष्य की जो जिंदगियां हैं और सुरक्षित हों, भारत अगले पायदान पे जाए, ताकि डेवलप कंट्री के साथ अपना रिश्ता भी डेवलप कर सके और उनके समतुल्य चल सके। तो एक्चुअली भारत, हम पिछले 25 साल से ये इंटरेक्शन देख रहे हैं, वो एवोल्यूशन देख रहे हैं, जो एफर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट लगा रही है उसको भी हम लोगों ने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो हमें लगता है कि इंडिया, जैसे आपने बताया कि यूके में कोई एक रिसर्च हुई, इसका प्रोडक्ट बना जिसको इंडिया लाया गया, इंडिया में कई लोगों की जान बची, तो इंडिया भी कुछ चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि स्पेस रिसर्च में, यू नो, जैसे बताते हैं कि जब इंडिया में कोई रॉकेट लॉन्च होता है, जब इंडिया ने अपने प्रोब्स को मार्स पे भेजा या मून पे भेजा, तो इंडिया जो कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करता है, इनोवेशन इसको भी बोलते हैं, कि इसने एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट किया जिससे पूरी दुनिया में इसके बारे में डिस्कशंस हुई, जो डेटा कलेक्ट किया वो पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा होगा। तो इंडिया में जो कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग है उसको फ्रूगल इनोवेशन बोलते हैं, तो वो जब उन्होंने स्पेस साइंस में इम्प्लीमेंट किया उससे बहुत लोगों को बाहर सीखने का मौका मिला। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी पिलर्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसको जैसे इंडिया थ्योरेटिकल रिसर्च में काफ़ी अच्छी जो पोजिशन रखता है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं। अब यही जो है इन रिसर्चेस को मतलब अलग अलग जो फील्ड हैं उन फील्ड में, जैसे लाइफ साइंसेज बताया, वैक्सीन टेक्नोलॉजी में बताया, AI में बताया, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, जैसे अब आने वाले समय में लोग बोलते हैं ये नॉर्मल कंप्यूटर की जगह पर अब क्वांटम कंप्यूटर यूज़ होगा जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगा डेटा का, और वो सब फिर एक दूसरे से लिंक्ड है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो डेटा प्रोसेसिंग होता है, बहुत सारे डेटाज को लेकर के कंप्यूटर इंटेलिजेंटली आपको एक डिसीजन बनाता है, तो उस डेटा हैंडलिंग को कितना एफिशिएंटली, कितनी जल्दी आप प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। तो ये सब जो नए इवॉल्विंग एरियाज़ हैं उसमें गवर्नमेंट को उसी ढंग से उसी पिलर को सपोर्ट करना होगा जैसे गवर्नमेंट ने स्पेस रिसर्च को, फाउंडेशन को सपोर्ट किया है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो स्टेप्स होता है उसको ग्राउंड लेवल से देना चाहिए। आप ऊपर से आप पैराशूट जंप नहीं करा सकते सॉल्यूशन को, आपको जैसे इसरो का जो आप देखेंगे तो इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे यंग इंजीनियर्स, यंग साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ के जब वो रेडी होते हैं तब तो वो वर्ल्ड क्लास रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो ट्रेनिंग होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को ये सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे रिसर्च जब आप करते हैं तो कैसे आप डिफरेंटली सोचें, कैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने सामने जो चैलेंजेस हैं उसको देखें, उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाएं, गवर्नमेंट उसको फिर फंड करें, लोगों को ट्रेन करें। तो ग्राउंड लेवल से जब इसको नर्चर किया जाएगा तो आपका एक तीसरा, जैसे स्पेस रिसर्च में ऐसे ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन बिल्ड होंगे जो पूरी कंट्री को फिर एक्यूट मेजर्स नहीं कि जब प्रॉब्लम हो जाए तो फायर फाइट कर रहे हैं, तो आप जो है प्रीएम्प्टिव मेजर्स फिर लेंगे ताकि आप रेडी रहेंगे आने वाले समय में कोई भी चैलेंजेस आएंगे उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगी, आपके पास मैन पावर रहेगा, आपके पास रिसोर्स रहेगा। अभी तक आपने कितने रिसर्च पर काम किया जो इंग्लैंड ही नहीं पूरे विश्व को उससे लाभ मिला है? तो हमारा जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड होती है, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को ये सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे रिसर्च जब आप करते हैं तो कैसे आप डिफरेंटली सोचें, कैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने सामने जो चैलेंजेस हैं उसको देखें, उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाएं, गवर्नमेंट उसको फिर फंड करें, लोगों को ट्रेन करें, तो ग्राउंड लेवल से जब इसको नर्चर किया जाएगा तो आपका एक तीसरा जैसे स्पेस रिसर्च में ऐसे ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन बिल्ड होंगे जो पूरी कंट्री को फिर एक्यूट मेजर्स नहीं, जब प्रॉब्लम हो जाए तो फायर फाइट कर रहे हैं, तो आप जो है प्रीएम्प्टिव मेजर्स फिर लेंगे ताकि आप रेडी रहेंगे आने वाले समय में कोई भी चैलेंजेस आएंगे उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगी, आपके पास मैन पावर रहेगा, आपके पास रिसोर्स रहेगा। अभी तक आपने कितने रिसर्च पर काम किया जो इंग्लैंड ही नहीं पूरे विश्व को उससे लाभ मिला है? बहुत है। तो हमारा जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जो हमारा काम था, जैसे हमने बताया कि हमारी एक टीम थी जो फिजिकल साइंसेस, जो हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स होती हैं, उनके साथ हम लोग काम करते थे, तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं इम्पैक्टफुल हुई हैं। जैसे कि एक कंपनी पे हम लोगों ने काफ़ी दिन काम किया, उसको ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजीज़ का कंपनी बहुत फेमस है, वो लंडन एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो वो टेक्नोलॉजी जीन सिक्वेंसिंग की है। तो आने वाले समय में जो आदमी का जो इलाज होगा वो जेनेटिक ट्रीटमेंट से होगा, ना कि आप दवा खा के करेंगे, क्योंकि आप जब आपकी जो जीन चेन होती है तो अब इतने सारे मिलियन बिलियंस ऑफ लोग हैं, सबकी जीन पूल को ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि जहाँ पे जिस जीन एक लंबी चेन होती है वो कहाँ पे जो साइट्स होते हैं उनको मतलब ट्रीट करना ताकि वो डिजीज़ फिर उसमें ना हो, तो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स जरूरत होते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड नैनो टेक्नोलॉजी जो है जीन सिक्वेंसिंग मशीन लगाई है ताकि बहुत सस्ते में लोगों का जल्दी से जल्दी जीन सिक्वेंसिंग किया जाए, तब तो फिर आप उसको थेरेपीटिक इम्प्लांट कर सकते हैं, उसमें नई नई इलाज को खोज कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जो नए तरह का जो ट्रीटमेंट होगा वो जीन थेरेपी से होगा, तो वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने काम किया अभी। और इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी थी इमेजिंग टेक्नोलॉजी की, अभी आप देखेंगे कि MRI मशीन होती है, बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस बनती हैं, तो हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी कंपनी वही रिसर्च के ऊपर लॉन्च किया था जिसमें बोलते थे कि अल्ट्रासाउंड की प्राइस पर MRI क्वालिटी इमेजेस देंगे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप MRI मशीन अब तो देखते हर एक शहरों में हो है लेकिन बहुत महंगा है, लेकिन अब वही चीज़ आप अगर एट द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब जो जनरल फिजिशियंस होते हैं उनके पास एक मशीन हो ताकि वो MRI की इंफॉर्मेशन आप उस मशीन से जनरेट कर पाएँ, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं उसको पे करके, उसके ट्रीटमेंट को या डायग्नोसिस को बेनिफिट ले सकते हैं उससे, तो ऐसी चीज़ों को मतलब कितना इम्पैक्टफुल चीज़ हुआ बताइए कि नहीं। तो MRI जो मशीन होती है 1.2 मिलियन पाउंड्स ही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, अल्ट्रासाउंड मशीन $20,000-$25,000 की होती है, तो मतलब ये ग्राउंड स्टेप चेंज है प्राइसिंग में, तो इससे जो है लोगों का डायग्नोसिस अच्छा हो पाता है। तो हमने लगभग अपने जीवन काल में जब तक वहाँ जब से वहाँ है हमने लगभग 30 कंपनीज को इसमें सपोर्ट किया है ताकि वो अभी कंपनीज जो है अपन रनिंग है और अपनी टेक्नोलॉजीज को मार्केट में ला रही हैं या ला चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर रिसर्च के क्षेत्र में आगे है तो भारत भी स्पेस के रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो इनिशिएटिव रिसर्च है उन्हें भारत सरकार को देखने की सुझाव इन्होंने दिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग।